अनलॉक 6 के तहत दिल्ली सरकार ने आज से स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दिए हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलने से एथलीट काफी खुश हैं। एक नेशनल एथलीट प्रथम ने बताया कि इतने दिनों से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, स्टेडियम मिलने से हम खुश हैं। हालांकि अभी भी यहां दर्शकों को अनुमति नहीं दी गई है, वहीं सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स को भी अभी लॉकडाउन से राहत नहीं मिली है। मेरा नाम प्रथम है। प्रथम, हाँ। प्रथम आप क्या करते हैं? आई एम ए नेशनल एथलीट, आई एम ए प्रोफेशनल एथलीट और मैं 100-200 मीटर करता हूँ। ओके, एंड ये इतने टाइम बाद ये स्टेडियम खुल रहे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल रहे, तो क्या कहना है आपका इस पे? बस सर ये है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। वैसे तो जो गवर्नमेंट ने ये बोला कि अब स्टेडियम वगैरह खुल जाएंगे, क्योंकि इतने दिन से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह हो रही, फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि एज एन एथलीट हमें डेली स्टेडियम की जरूरत पड़ती है। सुबह शाम इवनिंग में वर्क होता है, मॉर्निंग में वर्क होता है, और वो हम कर नहीं पा रहे थे प्रॉपर, और होम वर्कआउट्स करने पड़ रहे थे स्ट्रेंथनिंग वगैरह मेंटेन करने के लिए, और यूजुअली स्ट्रेंथ ही मेंटेन कर पा रहे थे, ट्रैक वर्क प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा था। और अभी हमारे नेशनल्स वगैरह भी आ रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है ट्रैक की। तो इसे पोस्ट करो, किस तरह के प्रिकॉशन लेंगे वाइल डूइंग प्रैक्टिसिंग और वाइल प्लेइंग गेम्स, किस तरह के प्रिकॉशन लेंगे आप? प्रिकॉशन सर, वैक्सीनेशन हमने लगवा लिया वैसे तो, और सेकेंड डोज हम वेट कर रहे हैं वैक्सीनेशन का। एंड सर हम यही कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट दें, और अपना प्रिकॉशन के लिए हम थोड़ा अलग डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और थैंक यू सो मच। सर आपका नाम? सर मेरा नाम सात्विक वर्मा है, मैं एक नेशनल लेवल एथलीट हूँ। मैंने काफ़ी जगह नेशनल्स में मेडल्स जीते हैं, एंड नॉर्थ जोन में भी मैं अभी रिसेंटली 2 गोल्ड मेडल लेके आया हूँ। सर सात्विक, कितने टाइम बाद ये स्टेडियम्स खुले हैं मतलब पोस्ट कोविड, तो आपका क्या कहना है इस पर? अब सिचुएशन ऐसी है कि जो भी होता है हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, हम उसको कुछ क्वेश्चन नहीं उठा सकते। तो जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था तो ऐसा भी नहीं हम रुके थे, हम घर में कुछ ना कुछ वर्कआउट करते थे, कोर कर लिया करते थे, कुछ भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते थे, रुकते नहीं थे। और अब जाके खुला है स्टेडियम तो काफ़ी मतलब खुश है कि अब वापस से ऑन ट्रैक हम आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन भी हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, तो वापस से हम वर्कआउट करना स्टार्ट किया है। तो किस तरह के प्रिकॉशंस लेंगे आप लोग पोस्ट कोविड में? सर बहुत मेहनत की बात नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी अलर्ट हो तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे मास्क तो पहनना चाहिए, सैनिटाइज़ करना चाहिए, नॉर्मल डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, ये सब छोटी चीज़ें ही काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देती है हमारे प्रिकॉशंस में। तो और वैक्सीन लगी ले ली आपने? यस, मेरा फर्स्ट डोज लग चुका है एंड सेकेंड डोज का मैं होप कर रहा हूँ लगे। ठीक है सर। एक सरकार ने जैसे मतलब कोविड की वजह से ये ऑफ हो गया था, तो पहले भी एक मंथ यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी, बच्चों की बढ़िया ट्रेनिंग चल रही थी, और जैसे क्लोज हो गया तो मतलब सरकार ने तो ये सोचा कि मतलब ये कोविड नहीं बढ़े ना उसकी वजह से, लेकिन बच्चों की जैसे प्रैक्टिस पे इफ़ेक्ट बहुत पड़ रहा है, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया, जिम भी बंद होगी, सारी हॉल ये ग्राउंड भी बंद हो गए थे, पार्क भी बंद हो गए, तो बच्चों की जो जैसे हमारी वेट लिफ्टिंग है तो उसमें बिल्कुल डाउन होगी प्रैक्टिस उनकी। Okay. बिल्कुल, जैसे अब स्टार्टिंग से इनको अप करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जैसे अपनी डेवलपमेंट के लिए, परफॉर्मेंस डेवलप करने के लिए। तो अब सर ने देखिए रीओपन करना तो ज़रूरी था, बिकॉज फिटनेस एक लाइफस्टाइल का पार्ट है, और काफ़ी टाइम से लॉकडाउन की वजह से सभी लोग हम लोग घर में रहे, कोशिश करी घर में भी थोड़ा रूटीन फॉलो करने की, लेकिन जो एक बाहर फिटनेस सेंटर में आके आप कर सकते हैं, जिस तरीके से वर्कआउट एक्सरसाइज गेम वगैरह खेल सकते हैं, वो घर में पॉसिबल नहीं है। सी इट्स अ गुड डिसीजन, वी ऑल वर वेटिंग, हम लोग वेट कर रहे थे कि खुले, बट हाँ एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस 50% उससे होना चाहिए, एंड ऑल प्रोटोकॉल शुड बी फॉलोड, और इनको भी दे शुड मेक श्योर दैट ऑल पीपल आर वैक्सीनेटेड हु आर कमिंग इन। तो अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आई थिंक फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी नहीं। दैट्स ओके, इनिशियली टू स्टार्ट विद आई थिंक अलाउ करना भी नहीं चाहिए एकदम से, धीरे धीरे करके यू नो जैसे 50% कैपेसिटी, फिर वैक्सीनेशन हो जाए तो धीरे धीरे करना चाहिए, स्लोली स्टेप बाय स्टेप। रीओपन तो हो रहा है लेकिन सबको मास्क वगैरह पहनना ज़रूरी है ताकि हम थर्ड वेव का कारण ना बने। आप एम्प्लॉय हैं यहाँ पे, इतने दिन आप घर पे थे और उस बीच में क्या उस दिन का रखना बताइए? काम तो हमारा वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था,
बट मैं डॉक्टर हूँ तो मैं क्लिनिक भी विजिट कर रही थी पेशेंट्स के लिए। आपको बता दें कि बीते हफ्ते दिल्ली सरकार ने 50% क्षमता के साथ जिम खोलने की अनुमति दी थी। वहीं बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल या फिर होटल में ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों की उपस्थिति में शादी समारोह के आयोजन को मंजूरी मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।